दंतेवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां सोनी सोरी का लापता बेटा मिल गया है। आज सुबह परिजनों से नाराज होकर घर से निकल गया था, सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकला था। पुलिस ने गीदम शहर से ढूंढ निकाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दंतेवाड़ा से, जहां सोनी सोरी का लापता बेटा मिल गया है। आज सुबह परिजनों से नाराज होकर घर से चला गया था और घर छोड़कर जाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर सोनी सोरी का बेटा गया था। पुलिस ने गीदम शहर से सोनी सोरी के बेटे को ढूंढ निकाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर सोनी सोरी का बेटा मिल गया है। दरअसल आज सुबह परिजनों से नाराज होकर वो घर से निकल गया था और इसके साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़कर चला गया था, जिसे परिजन दहशत में थे, घबराए हुए थे। लेकिन अब पुलिस ने सोनी सोरी के बेटे को ढूंढ निकाला है। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोनी सोरी का बेटा मिल गया है। दंतेवाड़ा से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनी सोरी का बेटा जो लापता हो गया था वो अब मिल गया है। आज सुबह परिजनों से नाराज होकर सोनी सोरी का बेटा घर से निकल गया था, सुसाइड नोट छोड़कर बेटा निकला था। लेकिन गीदम शहर से सोनी सोरी के बेटे को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वेद प्रकाश, क्या कुछ जानकारी, कैसे सफलता मिली पुलिस को? जी देखिए श्रवण, बताना चाहूंगा कि सोनी सोरी का जो 16 वर्षीय बेटा है वो घर से नाराज होकर चला गया था और साथ में एक सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा था, एसपी का कहना है। जब इसकी बात पुलिस इस सारे बात की जानकारी पुलिस को लगी तो उसने तत्काल ही उस बच्चे का मोबाइल नंबर ट्रेस करना शुरू किया और उसके बाद अपने गीदम थाने के लगभग 100 जवानों को इसी काम में लगा दिया कि किसी भी तरीके से उस बच्चे को ढूंढ निकाला जाए। तो लगातार मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो रहा था साइबर सेल के द्वारा, उस लोकेशन के आधार पर ही गीदम पुलिस उस बच्चे तक पहुंची और बच्चे ने सुसाइड करने की ठान रखी थी और वो एक नाले के पास भी खड़ा था, लेकिन इससे पहले ही गीदम पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया है। सोनी सोरी अब जाकर इस बात से खुश है कि पुलिस ने उसकी समय रहते मदद की और उसके बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।